नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। आज की हेडलाइंस में आपका स्वागत है। तेजी से कंगाल की ओर जा रहा पाकिस्तान, मूडीज ने बताया गंभीर है आर्थिक हालात। तीन तलाक कानून के खिलाफ एक और याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेज मांगा जवाब। चेन्नई में अवैध होर्डिंग गिरने से हुई 23 वर्षीय युवती की मौत। कश्मीर से अलग हुए लद्दाख में उठ रही कई मांगे। नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी। भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान नाव पलटी, 11 की मौत, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। ओवैसी का रविशंकर प्रसाद पर पलटवार, कहा संविधान में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें ही नहीं, टीपू और अकबर की भी हैं। शाहजहांपुर केस में SIT ने चिन्मयानंद से की 7 घंटे तक पूछताछ, घर भी किया सील। 30 साल पहले ममता बनर्जी का सिर फोड़ने वाला आरोपी 29 साल बाद बाइज्जत हुआ बरी। भैंस चोरी के बाद बकरी बछड़ा और पायल कुंडल लूटने तक के मुकदमों से घिरे आजम खान। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कामकाज मार्च 2020 तक शुरू कर दिया जाएगा और दिसंबर 2023 तक प्रोजेक्ट होगा पूरा। दिल्ली में फिर लौटा ऑड इवेंट, 4 से 15 नंबर के बीच सड़कों पर लागू होगा नियम। सोनभद्र के उभा गांव में नरसंहार पीड़ितों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर में लूट की सूचना पर वाहन चेकिंग कर रहे सिपाही को 2 बदमाशों ने गोली मारकर किया घायल। वाराणसी लालपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हो या आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल और अक्षय खन्ना की सेक्शन 375। देर रात मलाइका अरोड़ा के साथ हैंगआउट करती दिखी करिश्मा कपूर। बिग बॉस 13 कृष्णा अभिषेक की बहन और सीरियल उड़ान की अभिनेत्री आरती सिंह लेंगी सलमान खान के शो में हिस्सा। गणपति विसर्जन के दौरान बेटी के साथ खास अंदाज में दिखे नील नितिन मुकेश। परफॉर्मेंस के बीच निक जोनस को आया प्रियंका चोपड़ा पर प्यार, हजारों लोगों के सामने किया इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और झटका, रद्द हो सकता है ICC चैंपियनशिप का मुकाबला। 9 महीने बाद टीम में लौटे मिशेल मार्श की घातक गेंदबाजी। 5वें टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 271 रन बनाए। रोहित शर्मा को टेस्ट में ओपनिंग करने का मौका देना चाहते हैं मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया अरुण जेटली स्टेडियम। वनडे में हैट्रिक लेने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी मेघन स्कर्ट। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए लाइव भारत न्यूज।